अभी मैं खड़ा हूँ सागर के बहेरिया में, और बहेरिया में जो बागेश्वर धाम की कथा होने वाली है आज हम आपको दिखा रहे हैं वो लोकेशन और वो ग्राउंड आपको कहाँ पर कथा होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में, आइए हम दिखाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवस्थी ब्लॉगर्स। आज हम आपको दिखा रहे हैं सागर में कहां पर सजना है बागेश्वर धाम सरकार का दरबार। यहां पे तैयारियां चल रही हैं और मेरे सामने देख रहे होंगे आप पूरा एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पर तैयारियां चल रही हैं। देखिए मशीनें चल रही हैं यहां पर, जोर शोर से तैयारी चल रही है। यहाँ पर इसी जगह पर कथा का पंडाल बनाया जाएगा जहाँ पर महाराज श्री का दिव्य दरबार सजने वाला है। ग्राउंड को समतल किया जा रहा है यहाँ पर, और भी कई तैयारियां हैं, हम आपको दिखाएंगे एक एक बारीकी से, तो बने रहिए आप वीडियो में। ग्राउंड को समतल किया जा रहा है, मेरे पीछे और ग्रेडर भी चल रहा है। काफी बड़ा ग्राउंड है जो कि गुरुजी के हिसाब से बनाया जा रहा है। बने रहिए वीडियो में, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि गुरुजी कहां पर रुकेंगे, कहां पर वो यज्ञशाला बनाई जाएगी उनकी। अभी दिन रात तैयारियां चल रही हैं। जो भाई कितने वाहन साधनों द्वारा तैयारियां चल रही हैं, वहां कई ट्रैक्टर लगे हुए हैं और कई जेसीबी लगी हुई हैं, रोड रोलर से काम चल रहा है। सारी जगह को समतल बनाया जा रहा है, सारी जगह को समतल बना करके यहाँ पर महाराज श्री का दिव्य दरबार सजने वाला है। यहाँ पर यज्ञ होगा और आप मेरे सामने देख रहे होंगे तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो ब्राह्मण देव उनके साथ में आचार्य गण आएंगे, तो आचार्य गण और ब्राह्मण गण यहाँ पर उनका निवास रहेगा। ये बड़े जोर तोर से यहाँ पे तैयारियाँ भी चल रही हैं और ये है यज्ञ स्थल जहाँ पर यज्ञ होगा। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये जो परिसर आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर महाराज जी के रुकने की व्यवस्था रहेगी। लोगों से चर्चा करने में ऐसा बताया हम लोगों ने कि महाराज जी वहाँ से आकर के यहाँ पर महाराज जी का निवास स्थान रहेगा, महाराज जी यहाँ पर रुकेंगे और उसके जो पीछे है तो वहाँ पर कथा पांडाल बनाया जा रहा है, वहाँ महाराज जी का दिव्य दरबार सजेगा और इस जगह पर शायद ये पार्किंग के लिए ये जगह बनाई जा रही है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। सागर मकरोनिया स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर होने वाली है बागेश्वर धाम सरकार की कथा।